महाराज, मुझे तुम्हारी दीनता पर अरदास करने का मन होता है। कहो, क्या प्रार्थना करने आए थे तुम? प्रार्थना नहीं भैया दक्ष, आपको स्मरण कराने आया हूँ। स्मरण? नियंता की कृपा से आपको अपने इस महायज्ञ से अपने भयंकर पापों को पुण्यों में बदलने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। नारद, कह लेने दे भैया दक्ष, कह लेने दे। यदि नहीं कहा तो ये संसार नारद की जन कल्याण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना भैया दक्ष। एक तो महायज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा करना। दूसरी, यज्ञेश्वर शिव तथा सती माता को स्वयं जाकर आमंत्रित करना। नारद, शिक्षा से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा हमारा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। नारायण नारायण। भैया दक्ष, यदि आपका श्राप मेरे योग्य होगा ही नहीं तो श्री महागणेश की कृपा से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। दुष्ट नारद। भैया दक्ष, क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नारायण नारायण। संसार में वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जो महाशक्तियों के प्रति द्वेष भावना से आयोजित किया जा रहा हो। नारायण नारायण। सत्कर्मी बनाने वाली पूजा हूँ। असुर नरांतक ने ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए और देवांतक के भय से उद्विग्न देवताओं ने श्री महागणेश का स्मरण किया। श्री महागणेश ने दोनों दुष्ट असुरों को दंडित किया। अहंकारी दक्ष ने अपनी पुत्री दिति की उपेक्षा के कारण उसके पति ऋषि कश्यप को प्रताड़ित किया और एक महान यज्ञ की घोषणा की। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु ने इस यज्ञ में दक्ष की अनैतिकता को रोकने के कारण उपस्थित होना आवश्यक समझा। दक्ष पुत्री दिति ने अपने पति कश्यप को अनुचित समय पर बाध्य किया कि वे उसे माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। दूसरी ओर आज माता सती माता बनने का सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के लिए विचार मग्न है। शक्ति, तुम इस समय, तुमसे मिलने का उचित समय यही है शिव संगिनी शक्ति स्वरूपा सती। कारण के तुम्हारे पति तो गणों के साथ विश्व भ्रमण पर गए हैं। क्यों प्रकट हुई हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर तुमसे अज्ञात नहीं सती। शक्ति स्वरूपा सती को निराशा शोभा नहीं देती। इस निराशा का कारण तुम भली भांति जानती हो। श्री महागणेश की इच्छा अनुसार तुम अगले मानवीय जन्म में ही उनकी माता बनने का गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त कर सकोगी। तो अब इस जीवन का शेष उद्देश्य क्या रह गया है? शिव संगिनी सती, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं? जानकर भी जानने की इच्छुक नहीं हूँ। जानना तो होगा ही सती, क्योंकि तुम्हारा ये प्रश्न शीघ्र ही उत्तर के रूप में तुम्हारे सन्मुख प्रकट होने वाला है। देवी सती भविष्य की घटनाओं के विषय में विचार करने लगी, जिसका ज्ञान तो केवल श्री महागणेश को ही है। श्री महागणेश की इच्छा से ही हर घटना घटती है और आज इसी लीला का एक और अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है।
हाँ मंत्री जी, इन सभी आमंत्रित अतिथियों को महायज्ञ का निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। और स्मरण रहे, इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आमंत्रण भेजने का तो साथ न किया जाए। आप निश्चिंत रहिए पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हाँ, महायज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, जिससे एक भी अवांछित व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। ऐसा ही होगा पृथ्वी सम्राट। अब आप जाएं और महायज्ञ स्थल की समस्त व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करें। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की जय, पृथ्वी महारानी वीरनी की जय। स्वामी, आप महायज्ञ में शिव सती को आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिव और सती इस महायज्ञ में आमंत्रण के योग्य ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, वे आपके जामाता और पुत्री हैं। भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले उस श्मशान वासी का ब्राह्मणों की महासभा में क्या काम? और सती ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। स्वामी, जो बिंध गया वो मोती, बीती बातों को भूल जाए स्वामी। भुला दें? ऐसे भुला दें महारानी? हम भुला दें? अपने अपमान को भुला दें? अथवा शिव का अपमान करने वाली उस घोर प्रतिज्ञा को भुला दें? क्या आप क्या कहने की इच्छुक है महारानी? लंबी प्रतीक्षा करने के पश्चात दक्ष प्रजापति को मायावी शिव का अपमान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी, शिव सती के विरुद्ध ये निर्णय उचित नहीं है। महारानी, हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। सावधान, दक्ष प्रजापति के क्रोध का परिणाम आपके हित में न होगा। स्वामी, नारायण नारायण। प्रणाम भैया दक्ष, प्रणाम। कहीं तुम्हें उस मायावी शिव ने तो नहीं भेजा है नारद? गंग 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 गंग। भैया दक्ष, आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान शिव किसी को भेजते नहीं? अभी तो इस संसार में जो भी कुछ घटता है वो शिव इच्छा से ही घटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात हमारे महायज्ञ में हमने उसे आमंत्रित नहीं किया है और उसके घोर अपमान की योजना बनाई है, वो भी उसी की इच्छा है। ये शिव इच्छा नहीं, शिव लीला है, जिसका अर्थ आप कदापि नहीं समझ सकते। तुम जैसे चाटुकारों ने शिव को देवता बना दिया है नारद। मुझे तो श्मशान में वास करने वाला और भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाला किसी योग्य दिखता ही नहीं। यदि नेत्रों पर क्रोध एवं अहंकार का आवरण पड़ा हो तो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता दिखाई ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। नारद, फिर क्रोध को जागृत करने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। नारायण नारायण। परिणाम के भय से ये नारद अपना जन कल्याण का कार्य नहीं छोड़ सकता भैया दक्ष। नारद, मैं तुम्हारी जन कल्याण की भावना से भलीभांति परिचित हूँ। यदि दक्ष महल में तुम्हारा जन कल्याण पूर्ण हो गया हो तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। नारायण नारायण। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इस भयानक वातावरण में नारद की एक क्षण भी रुकने की इच्छा नहीं है भैया दक्ष। किंतु आप मेरे भ्राता हैं, इसीलिए आपको दो बातों का स्मरण कराना, दो महत्वपूर्ण बातों का मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बड़ा मझोला है नारद, जो अपने अपमान की चिंता किए बिना हमसे दक्ष महल में प्रार्थना करने आ गए। नारायण नारायण। यही तो नारद की जन कल्याण की भावना है, जो अपने अपमान के लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित रहती है। नारद, मुझे तुम्हारी दीनता पर अट्टहास करने का मन होता है,
कहो क्या प्रार्थना करने आए थे तुम? प्रार्थना नहीं भैया दक्ष, आपको स्मरण कराने आया हूँ। स्मरण? नियंता की कृपा से आपको अपने इस महायज्ञ से अपने भयंकर पापों को पुण्यों में बदलने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। भरत, कह लेने दे भैया दक्ष, कह लेने दे। यदि नहीं कहा तो ये संसार नारद की जन कल्याण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना भैया दक्ष। एक तो महायज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा करना। दूसरी, यज्ञेश्वर शिव तथा सती माता को स्वयं जाकर आमंत्रित करना। भरत, तुम शिक्षा से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा हमारा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। नारायण नारायण। भैया दक्ष, यदि आपका श्राप मेरे योग्य होगा ही नहीं तो श्री महागणेश की कृपा से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दुष्ट नारद। भैया दक्ष, क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नारायण नारायण। संसार में वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जो महाशक्तियों के प्रति द्वेष भावना से आयोजित किया जा रहा हो। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। स्वामी, मेरी बात सुनिए स्वामी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम तुम्हारी प्रसन्नता जानने को उत्सुक हैं सुमुखी। स्वामी, मेरे गर्भस्थ पुत्र ने जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहा दीदी? उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा माता। माता पिता की इच्छा पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है दीदी। पिता नहीं, मात्र माता। मेरा पुत्र मात्र मेरा है। मेरी हक के ही कारण आप उसे जीवन देने को विवश हो गए। प्रिय, इस अवस्था में गर्भस्थ पुत्र पर माता की सोच का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे परामर्श प्राप्त करने नहीं, अपनी प्रसन्नता बांटने आई थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति को किसी भी ज्ञान या परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे अपनी प्रसन्नता बांटना ही अनुचित था। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। परम देव श्री महागणेश की जय। जय देवर्षि नारायण। प्रणाम। कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है देवर्षि। पधारे। सावधान ऋषिवर, सावधान। सदा प्रसन्न तथा आनंदित रहने वाले देवर्षि नारद, आज आप किस मुद्रा में हैं? ऋषिवर, आज मैं आपको पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से सावधान करने ही आया हूँ। पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ऋषिवर, क्या आपने दक्ष प्रजापति के महायज्ञ का समाचार नहीं सुना? हमने सुना तो अवश्य है देवर्षि कि दक्ष प्रजापति परम पिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। अब आप इससे आगे की कथा मुझसे सुनिए। आगे की कथा? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ना 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 ना। भैया दक्ष के स्वभाव को जानने वाला उनकी कथाओं को लेकर चकित नहीं होता ऋषिवर। नारायण नारायण। पहेलियों की भाषा का प्रयोग करके बात का बतंगड़ना बनाए देवर्षि। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहें। स्पष्ट? स्पष्ट कहूं देवी? कह दूं ऋषिवर? तो स्पष्ट सुने देवी कि बात का बतंगड़ तो अब बनने वाला है। आपके पिता दक्ष प्रजापति ने परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा ना करने का एवं यज्ञेश्वर शिव तथा सती को ना आमंत्रित करने का निर्णय ले लिया। नारायण नारायण। गंग गंग गंग।
ये अहंकार दक्ष प्रजापति का पीछा कब छोड़ेगा देवर्षि? अहंकारी कहकर आप मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं स्वामी। नारायण नारायण देवी दीति, जो स्वयं परम देव श्री महागणेश का एवं यज्ञेश्वर शिव जैसी महाशक्ति का अपमान करने का इच्छुक हो, हम उसका अपमान क्या करेंगे? उसका तो संसार अपमान करेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे पिता का अपमान करने वाला अभी जन्मा ही नहीं है। देवर्षि नारद अदृश्य हो चुके हैं दीदी। देखकर इतना उत्तेजित होना आपको शोभा नहीं देता देवर्षि नारद। नारायण नारायण, हे परमदेव श्री महागणेश, मैं दक्ष के व्यवहार को देखकर उत्तेजित ही नहीं व्यथित भी। देवर्षि, ये तो अहंकार का स्वभाव है, जो अपने सम्मुख किसी की गरिमा को स्वीकार नहीं करता। अर्थात प्रभु? अर्थात दूसरे की गरिमा तथा प्रभुता को स्वीकारने वाला कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। हे सर्वेश्वर, भैया दक्ष मात्र अहंकार का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे तो महाशक्तियों का अपमान भी कर रहे हैं। ये अहंकार की चरम सीमा है देवर्षि, जो दक्ष के सर्वनाश का कारण बनेगी। अर्थात भैया दक्ष का सर्वनाश निकट है प्रभु। देवर्षि, हमारे उत्तर में अपने प्रश्न को ढूंढने का प्रयास न करें। गंग 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 गंग, प्रभु आप तो हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का स्वयं उत्तर है। आपके उत्तरों में प्रश्न खोजना असंभव है प्रभु, किंतु मैं चतुर नारद, दक्ष का महायज्ञ होगा, अवश्य होगा, और इसका परिणाम इस बात का प्रमाण होगा कि हमारी अग्र पूजा ना करने का क्या परिणाम होता है। अर्थात प्रथम पूज्य श्री महागणेश, इस यज्ञ में ऐसा कुछ घटने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी अग्र पूजा ना करके तथा यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने के कारण दक्ष को महागणेश के क्रोध तथा शिव शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। किंतु प्रभु, भैया दक्ष ने तो शिव शक्ति विवाह में भी आपकी अग्र पूजा नहीं की थी। उसका दंड भी आज दक्ष को भोगना ही पड़ेगा। तो क्या आज शिव शक्ति विवाह में? जिज्ञासा में ही सब कुछ जान लेने के स्थान पर आप स्वयं जाकर घटनाओं के साक्षी बनिए नारद।